तो हेलो गाइस, आज फाइनली मैं माइनक्राफ्ट जावा खरीदने वाला हूँ। यस, माइनक्राफ्ट जावा एंड बेडरॉक एडिशन का जो आता है हमारा कॉम्बो, वो आज मैं फाइनली ऑफिशियल खरीदने जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता आप पीस अपने पीस में माइनक्राफ्ट जावा ऑफिशियल कैसे खरीदना है, तो मैं चलिए आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, आपको भी पता चलेगा। और हाँ, इसमें एक ही ट्री लॉन्चर है, आप माइनक्राफ्ट जावा भी खेल सकते हो और उसी में आप माइनक्राफ्ट बेडरॉक खेलना चाहो तो वो भी खेल सकते हो। मतलब अगर आपका दोस्त माइनक्राफ्ट बेडरॉक खेलता है तो आप उसके साथ बेडरॉक भी खेल पाओगे और जावा खेलता है तो जावा भी खेल सकते हो एक ही कॉम्बो में। आई थिंक कॉम्बो ही आता है, सोलो आता है कि पता नहीं। उसके लिए गाइस मैं चलो शुरू से आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले गूगल में जाना होगा। गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पे माइनक्राफ्ट, ओनली माइनक्राफ्ट आपको सर्च करना है। माइनक्राफ्ट वीडियो गेम्स ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपका जो माइनक्राफ्ट का पहला वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक करके वेबसाइट में आ जाना है। फिर आपको गेट माइनक्राफ्ट पे क्लिक करना है और कंप्यूटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे जाओगे। और आप यहाँ से डायरेक्ट अपना $29 लग रहा है यूएस पे, अगर आप इंडियन प्राइस में लोगे तो आपको 1999 में टोटल 2000 रुपए लगने वाले हैं। तो दो वे बताऊंगा गाइस। एक तो आप यहां से इसको बाय नाउ करके खरीद सकते हो, पर मैं यहां से नहीं करूंगा। तो यहां से खरीदो या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से खरीदो, दोनों एकदम सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। पर मैं डायरेक्ट माइनक्राफ्ट स्टोर से ही खरीदता हूँ, यहाँ से नहीं खरीदने की जगह। तो अगर आपको यहाँ से खरीदना है तो आप माइनक्राफ्ट बाय नाउ माइनक्राफ्ट पे क्लिक करो, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो अकाउंट है उससे लॉगिन करके आपको परचेज करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से साइन इन नहीं करके मैं डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ही चला जा रहा हूँ और वहां से खरीदते हैं। आप वहां से भी साइन इन करके फिर परचेज करके अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आएगा उसे परचेज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जा सकते हो और यहाँ पे माइनक्राफ्ट लिख के सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले ये आएगा माइनक्राफ्ट ट्री लॉन्चर। इसको नहीं, यहाँ पे नीचे देखो माइनक्राफ्ट जावा एंड बेडरॉक एडिशन फॉर पीसी, इस पे आपको क्लिक करना है और इसका प्राइस है 1999 रुपए। ठीक, रुक जाओ। तो ये देखो इसका नाम है 1999 1999। इसको आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके परचेस कर सकते हो। पहले मैं आपको वेबसाइट वाला प्राइस भी दिखा देता हूँ, दोनों एकदम सेम है। तो चलिए मैं यहाँ आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो देखिए मैंने अपना आईडी यहाँ पे लॉगिन कर लिया। आईडी लॉगिन करने के बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ पे करने बोलेगा। तो आपका अभी भी यहाँ पे $29 दिखा रहा, पर आप यहाँ पे जो चेंज देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करने पे आपको इंडियन करेंसी में आपको दिखा देगा 1999 रुपए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे लगेगा सेम टू सेम। तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट करके कॉन्फर्म किया। उसके बाद आप नीचे में प्राइस देखो तो 1999 माइक्रोसॉफ्ट जावा एंड बेडरॉक एडिशन फॉर पीसी, जो यहाँ पे नाम लिखा है सेम टू सेम वही ये भी है। मतलब ऑफिस वेबसाइट से खरीदो पर थ्रू यही है, माइक्रोसॉफ्ट से ही आपको खरीदना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओ और वहां पे आप बाय नाउ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहीं से खरीद लो। क्यों वहां से खरीदोगे, तो यहां पे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा, वो आपको डालना है। तो चलिए मैं वो डालता हूँ, फिर मिलता हूँ। ठीक, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लिया। तो दोबारा पासवर्ड डाल के जब आप इंटर करोगे तो फिर ऐसे रिफ्रेश होगा और उसके बाद रिफ्रेश होने के बाद आपका ऐसे माइनक्राफ्ट जावा एंड बेडरॉक एडिशन 19 इतना दाम लगेगा। अगर एड तो आपको यहाँ पे पेमेंट किससे आपको करना है वो आपको यहाँ पे क्लिक करके पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या फिर आप रिडीम कार्ड, आपके पास कोई रिडीम कोड है, रिडीम गिफ्ट कार्ड है तो आप गिफ्ट कार्ड को रिडीम करके भी खरीद सकते हो। तो मैं यहाँ क्रेडिट कार्ड से खरीदूंगा, तो मैं यहाँ से खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ डेबिट कार्ड से भी ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको एटीएम के डिटेल्स फिल करने हैं, फिर उसके बाद आपको सेव करना है। तो ये प्रोसेस मैं कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, लेट्स गो। तो गाइस अपना कार्ड डिटेल डालने के बाद आपका ऐसे ही लोड हो जाएगा, उसके बाद आपका ऐसे कार्ड डिटेल दिखाएगा, आपको बाय पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे वन टैप एंड पेमेंट आज कंप्लीट हो जाना चाहिए या फिर कोड मांगेगा, चलिए देखते हैं। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ गाइस, तो मेरे को भी पता नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं एक यार डेढ़ साल से माइनक्राफ्ट खेला और आज फाइनली गाइस हमारा माइनक्राफ्ट जावा एंड बेडरॉक एडिशन मैंने खरीद लिया। यस, अब देखो डायरेक्ट इंस्टॉल करने का बोलेगा तो यस पे क्लिक कर देना आपको। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, मेरे को भी पता नहीं। वाओ गाइस, फाइनली परचेस कंप्लीट सक्सेसफुली, वाओ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे अब थोड़ा लोडिंग होगा, इंस्टॉल होगा आई थिंक, तो 1 GB के आसपास आपका डाटा लगेगा आई थिंक। तो चलिए देखते, मेरा तो वाईफाई, आपका भी वाईफाई हो तो जल्दी करना, वाईफाई होगा तो ईजी होगा। अब इंस्टॉलिंग हो रहा गाइस, तो चलिए मैं थोड़ा इंस्टॉल हो जाए, फिर मिलते हैं, लेट्स गो। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, मजा आ गया, वाओ फाइनली। तो गाइस टोटल 847 MB का है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा, तो जल्द फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आपको खेल के थोड़ा दिखाते हैं कि कैसे आप बेडरॉक भी खेल पाओगे और कैसे आप जावा भी खेल पाओगे, थोड़ा थोड़ा दोनों ऑन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट के बाद आपको डायरेक्ट प्ले का ऑप्शन आया, प्ले पे क्लिक करते हैं, लेट्स गो। अब देखते हैं अब क्या करना पड़ेगा। वाओ,
तो गाइज मैंने प्ले पे क्लिक तो कर दिया और फाइनली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अपडेटर डाउनलोड होने लगा, अपडेटिंग माइनक्राफ्ट लॉन्चर। तो माइनक्राफ्ट लॉन्चर अपडेट हो रहा है या डाउनलोड हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हमारा ये भी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा माइनक्राफ्ट का ये देखो नीचे में लॉन्चर आ चुका है, इस पे हम क्लिक करते हैं, हमारा माइनक्राफ्ट लॉग इन करने बोलेगा। तो चलिए माइनक्राफ्ट का लॉग इन करना पड़ेगा, आई थिंक तो मोजंग लॉग इन करूँ या माइक्रोसॉफ्ट लॉग इन करना होगा क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट खरीदा है। तो लेट्स प्ले पे मैंने कनेक्ट कर क्लिक कर दिया है और हमारा गेम लोड हो रहा है आई थिंक। और अब फाइनली गाइस फाइनली वो पल आ चुका है जब हम गेम खेलने जा रहे हैं गाइस, माइनक्राफ्ट ऑफिशियल जावा प्लस बेडरॉक एडिशन। वाओ 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 वाओ। तो ये गाइस लोडिंग हो चुका है, इसको फुल स्क्रीन में पहले करते हैं। तो ये हमारा फुल स्क्रीन में गेम चालू हो चुका है गाइस, जहाँ पे आप लोग देखो माइनक्राफ्ट जावा एडिशन, यहाँ पे आपको माइनक्राफ्ट जावा एडिशन भी है, माइनक्राफ्ट फॉर विंडो। ये कौन सा बेडरॉक कहाँ पे है, ये माइनक्राफ्ट जावा है गाइस। और ये जो माइनक्राफ्ट फॉर विंडो लिखा है ये हमारा माइनक्राफ्ट बेडरॉक है आई थिंक। ये दोनों हम खेल सकते हैं, बेडरॉक एंड जावा। तो चलिए पहले जावा पे प्ले नाउ पे क्लिक कर दिए। सॉरी यू हैव इनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई रिस्टार्ट। तो गाइस मेरे को यहाँ पे रिस्टार्ट लॉन्चर को करने बोला, तो चलिए रिस्टार्ट एक बार कर लेते हैं फटाफट। गाइस दोबारा से हमारा लॉग इन हो चुका है, दोबारा से हम जावा पे यहाँ पे हैं और प्ले पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मांगेगा यूजर नेम, इंटर यूजर नेम फॉर माइनक्राफ्ट जावा एडिशन। जावा में आप किस यूजर नेम से खेलोगे वो यूजर नेम देना है। तो सिंपल हम संजीत गेमिंग यूजर नेम देते हैं क्योंकि यही तो मेरा नेम है। ये नाम, चलो ये नाम मेरा ऑलरेडी है भी नहीं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे क्लिक हो चुका है। तो अगर आपका नाम वो पहले से होगा तो आपको नाम थोड़ा चेंज करके करना पड़ेगा। मेरा संजीत गेमिंग अवेलेबल था तो मेरा संजीत गेमिंग से माइनक्राफ्ट जावा यूजर नेम हो चुका है। और फाइनली मैं अपने गेम में एंटर करूंगा गाइस। तो यहाँ पे देखो लोडिंग हो रहा प्ले की जगह, तो अब फाइनली हमारा गेम ओपन होगा। वाओ, तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग हो रहा है, जो भी इसके डाटा वगैरह होंगे वो 57 MB है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं फिर मिलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हमारा अब वहाँ पे लोडिंग हो गया, उसके बाद अब आई थिंक गेम चालू होने वाला है। फाइनली वो पल आ चुका है जब हम गेम को ओपन करने जा रहे हैं, अपने आप ओपन हो रहा है। यस, तो गाइस माइनक्राफ्ट 1.19.2 लिखा हुआ था, तो फाइनली हमारा मोजंग स्टूडियो चालू हो चुका है, यानी कि हमारा गेम चालू हो चुका है गाइस। अब फाइनली माइनक्राफ्ट जावा एडिशन एकदम ऑफिशियल। तो गाइस फाइनली हम अपने गेम में आ चुके हैं गाइस, फाइनली हम गेम में लोड हो चुके हैं। तो ये माइनक्राफ्ट जावा तो खेल लिया, अब चलो माइनक्राफ्ट बेडरॉक को भी ऑन करके देखते हैं, लेट्स गो। तो गाइस ये माइनक्राफ्ट विंडो पे अब जाते हैं, यहाँ पे अब प्ले करके ये भी थोड़ा खेल के देखते हैं। तो ये देखिए माइनक्राफ्ट छोटा माइनक्राफ्ट, यानी कि माइनक्राफ्ट बेडरॉक स्टार्ट हो रहा है गाइस, देख पा रहे हो आप लोग। वाओ, इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा माइनक्राफ्ट बेडरॉक देख रहे हो गाइस, फुल स्क्रीन में भी ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये लोड हो रहा है, थोड़ा इसको लोड होने देते हैं फिर खेलते हैं, ठीक। तो गाइस फाइनली हमारा माइनक्राफ्ट बेडरॉक देखो, साइन इन यहाँ पे दोबारा हमें करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, तो इसको भी कर लेते हैं फिर मिलते हैं, ठीक। तो मेरा ऑलरेडी लॉग इन है गाइस, तो यहाँ पे मेरा उसी से दोबारा आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। तो यस, मेरा अकाउंट लॉग इन हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। द ब्लॉग लिस्ट ऑफ फ्राइडे इज बैक, यस व्यू कंटिन्यू करते हैं इसको। तो फाइनली माइनक्राफ्ट बेडरॉक भी स्टार्ट हो गया गाइस, संजीव गेमिंग 399। वाओ, ड्रेसिंग रूम भी है। ओके, तो चलिए ये सब बाद में करेंगे, पहले बैक करते हैं। ओके, मैं पहली बार नहीं तो नहीं खेला हूँ, बट हाँ क्रिएट रूम, तो क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते हैं गाइस। मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संजीव गेमिंग। ओके, वर्ल्ड नेम संजीव। मैं बेडरॉक वैसे खेला नहीं गाइस, बहुत कम खेला हूँ, क्रिएटिव में ले लेता हूँ, ठीक। नॉर्मल है, जेंडर है, चलिए क्रिएट करते हैं डायरेक्ट, ठीक। तो पहली बार माइनक्राफ्ट बेडरॉक में खेलने जा रहा हूँ अभी तक, मतलब मोबाइल में बहुत कम, एक दो बार बस चेक करने के लिए ऑन किया हूँ, कभी खेला नहीं हूँ। माइनक्राफ्ट बेडरॉक भी थोड़ा खेल लेते हैं। वाओ, तो ये देखिए गाइस माइनक्राफ्ट बेडरॉक का बेडरॉक भी हमारा चल चुका है, और बेडरॉक में हम आ चुके हैं, जो कि मैं क्रिएटिव में हूँ तो क्रिएटिव में उड़ भी सकता हूँ। और सेम वही सारी मतलब की मैपिंग सब वही है, क्योंकि पीसी में है ना, तो बढ़िया। मैं यहाँ से माइनक्राफ्ट में ये भी खेल सकता हूँ और वो भी खेल सकता हूँ। अगर मेरे को बेडरॉक का कोई फैक्ट वगैरह बनाना है तो मैं माइनक्राफ्ट बेडरॉक का भी बना सकता हूँ, जावा का बनाना है तो जावा का भी बना सकता हूँ। वाओ, सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद है, आपके काम थोड़ा भी काम आया होगा, अगर काम आया तो वीडियो को लाइक करके मुझको सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियो हम बनाते रहते हैं। और हमारे चैनल पर डेली शॉर्ट्स आते हैं, शॉर्ट को देखना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।